यो गाइस इट्स मी एसआर और आप सभी का इमोर्टल ड्रैगन मास्टर के और एक नए एपिसोड में स्वागत है। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से कर दो रे, और हो सके ना तो उस बेल को भी प्रेस कर देना। और हाँ, अभी हम लोग का चैनल मोनेटाइज हो चुका है, अपने भाई को सपोर्ट दिखाते हुए इस चैनल को ज्वाइन भी कर सकते हो। तो ये वाले एपिसोड के स्टार्टिंग में हम लोग उसी दो कम्युनिटी मार्चिन को दिखाया जाता है, जिन दोनों के तरफ ना कुछ रेड रेड कलर का आगे बढ़ रहा था। तभी हम लोग को पता चला ये रेड चीज और कुछ नहीं, हम लोग नया नेल्सन का जो लाइफ एंड डेथ का थ्रेड था वही इन दोनों की तरफ बढ़ने के बाद ना इन दोनों को बहुत अच्छी तरीके से जगह लेता है, और इतना जोर से जगड़ता है ना कि इन लोगों के मुंह से यहाँ पे खून आने लगता है। और तभी ये लोग चिल्लाते हुए कहते हैं कि सिस्टर मुझे माफ कर दो, इस बार हम लोग को माफ कर दो, दोबारा ऐसा गलती ना हम लोग भूल के भी नहीं करेंगे। और इन लोगों को इतना तरपाने के बाद ना फाइनली नेल्सन इन लोगों को बात सुन लेता है और इन लोगों को यहाँ पे छोड़ देता है। लेकिन क्या आप लोगों ने ये नोटिस किया कि हम लोग जो नया नेल्सन था उसका आग का कलर ना थोड़ी देर के लिए यहाँ पे ग्रीन में तब्दील हो चुका था। अगर नहीं किया ना तो वीडियो को थोड़ा सा रिवाइंड करके देख लो। और यहीं पर इस मौके का फायदा उठाते हुए ना नेनियन उन लोगों की तरफ एक वन ग्रेड का गोल्ड छोड़ता है और कहता है कि ये ले लो और हम लोग जितना भी क्रिस्टल है जल्दी जल्दी करके बाइक के ये टाइम स्पेस में भर दो, वरना आज तो हम लोग यहाँ पे गए। और ये सुनने के बाद वो बंदा कहता है ठीक है मैं करता हूँ, और इसी के साथ ना ये लेने के बाद वो लोग तो यहाँ से चले जाते हैं, जहाँ पर वो मार्चिन ने रोने लगे और कह लोगों तो सरासर दिन दहाड़े हम लोग को लूट लिया। और तभी यहाँ पे हम लोग जाव को दिखाते हैं जो कि यहाँ पे एक छोटा सा मीट का टुकड़ा खरीद रहा था। तभी उसे पता चला इस मीट का टुकड़े का कीमत है एक गोल्ड, जो सुनने के बाद वो बंदा कहता है कि क्या इतना वैल्यूएबल, मुझे ये खरीदना नहीं है, ये तो दिन दहाड़े हम लोग को लूट रहा है। वैसे भी तभी यहाँ पे जाव को ना कुछ देखता है, जिसे देखने के बाद उसका आंख चमकने लगता है। वेरी सिंसियर होने में हम लोग को पता चला ये ना और कुछ नहीं फैंटम ट्रिप सोल पार्ट था, जो देखने के बाद नेनियन के साथ हम लोग जाव बहुत ही खुश होता है और कहता है कि अगर ये ग्रीनी खा लेता ना तो हम लोग का ग्रीनी ना जल्दी जल्दी करके ड्रैगन लॉर्ड की जो पीक है ना वहाँ पे पहुंच जाएगा, तो जल्दी करो यहाँ पे जितने भी मिले ना हम लोग सब खरीद लेंगे। और इसी के साथ सिंसिर टुके हम लोग को जो सिंसिर है ना उसी का आसपास का जंगल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर के जाओ और बाकी सारे बंदे जा रहे थे। तभी यहाँ पे जाते जाते नेनियन पूछते हैं कि ये जगह तो मुझे बहुत ही सेफ लग रहा है, क्यों ना हम लोग एक काम करें आज का रात ना यहाँ पर ही गुजार दें। तो यहाँ पे पास से किसी बंदे का आवाज सुनाई देता है जो कहता है ओहो तो इतनी जल्दी तुम लोग यहाँ पे जाने की कोशिश करो, पहले हम लोगों के साथ दो दो हाथ नहीं करोगे। तभी ये देखने के बाद जाओ कहता है ओहो 11-11 बंदे ये तो बहुत ही मुश्किल होने वाला है। और तभी इन लोगों को अच्छे से दिखाने के बाद हम लोग को पता चला ये लोग तो और कोई नहीं दो मर्चेंट कम्युनिटी जो थोड़ी देर पहले नैन से अच्छी तरीके से पीटी थे ना वो दो नहीं थे, जो कि अभी अपने बाकी टीम को लेकर आ चुके थे। और तभी अभी हम लोग को बॉस कहते हैं तुम लोगों ने जैसा कहा ही था ये दोनों लड़की ना बहुत ही खूबसूरत है। और ये वाला बात सुनने के बाद ना हम लोग जाओ बहुत ही गुस्सा होते हैं और गुस्से में आते हुए कहते हैं कि तुम लोगों को पता नहीं कि तुम लोग यहाँ पे किसके साथ पंगा ले रहे हो। जो सुनते ही वो थक भी कहते हैं हाँ हाँ बउआ मुझे तो पता है मैं किसके साथ यहाँ पे पंगा लेने वाला हूँ, लेकिन तुम लोगों को शायद पता नहीं कि हम लोग कौन है। और तभी यहाँ पे हम लोग मिस नैन के साथ कुछ तो होता है, जहाँ पे उसका आंखों का जो ग्रीन कलर था ना वो चेंज होकर नॉर्मल हो जाता है। और ये देखने के बाद मुझे यहाँ पे एकदम कंफर्म हो जाता है कि ये दोनों सिस्टर नैन और एमजी इन दोनों के अंदर ही ना जो अपरिचित का आत्मा है ये तो घुस कर बैठा है। और तभी इसका आंख का कलर हट जाने के बाद ना यहाँ पे नैन कहते हैं कि यहाँ पे क्या हो रहा है और इतने सारे बंदे हम लोग के सामने क्या कर रहे हैं। जो सुनने के बाद यहाँ पे जाओ कहता है क्या इन लोगों के बारे में तुम इतने जल्दी भूल गए, तुमने ही तो इन लोगों को ना थोड़ी देर पहले पीटा था, वैसे भी अभी एक्टिंग करना बहुत हो गया, आओ आके ना मेरा मदद करो क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे बंदे हैं। अपने बारे में ये सुनने के बाद ना नैन अपने मुंह फुला लेते हैं और कहते हैं ठीक है अगर मैं यहाँ पे एक्टिंग करो तो तुम ही जाओ जाके इन लोगों के साथ फाइट करो, वैसे भी तुम यहाँ पे हट्टी कट्टे मर दो और मैं थरी एक बेचारी औरत तो तुम्हारा काम है ना मुझे यहाँ पे प्रोटेक्ट करना। और तभी यहाँ पे नैन हम लोग नैन से कहते हैं वैसे भी आपका भूलना जाए सर, लेकिन वो जो दोनों बंदे देख रहे हो ना वो दोनों कमीने कोई ना आपने थोड़ी देर पहले पीटा था उन दोनों के बारे में आप कैसे भूल सकते हो। तभी यहाँ पे फिर से उनको जाओ को दिखाते हैं जो कहता है ठीक है बहुत हो गया अभी मुझे देखो मैं क्या कमाल दिखाता हूँ। और इसके साथ अपने छोटू को बाहर निकलते हैं, जो छोटू हमें बाहर निकलने के बाद ना उसके बॉडी से यहाँ पर थंडर आरा रिलीज हो रहा था, क्योंकि उसने थोड़ी देर पहले जो थंडर सोल पार्ट था ना उसे एब्जॉर्ब कर चुका था, और जिसके चलते अभी उसे ब्लैक थंडर का पावर मिल चुका था, जिसका यूज करने के बाद ना वो उस जो ड्रैगन था थग लोगों का उनको बहुत ही आसानी के साथ एक ही झटके में मार देता है। और ये देखने के बाद नीनियन तो चौंक गया था और कहते हैं कि ये कैसे हो सकता है, मैंने ना कुछ दिन पहले हम लोग छोटू को खाना खिलाया था लेकिन तब तो उसके पास ऐसा वैसा पावर नहीं था। ये सुनने के बाद अभी जाओ कहता है अरे होगा कैसे, क्योंकि थोड़ी देर पहले जो ड्रैगन पार्ट था ना जिसके अंदर थंडर एसेंस था उसे ना हम लोग छोटू ने एब्जॉर्ब कर चुका है, जिसके चलते उसे तो थंडर का एसेंस मिला है लेकिन उसका जो क्लॉ है क्लॉ का पावर भी बहुत तगड़ा हो चुका है। और ये पहले हम लोग प्यारे छोटू का ऐसा रूप देखने के बाद ना बाकी से थक तो डर के मारे यहाँ से भागने लगता है और कहते हैं जल्दी करो भाग लो वरना आज हम लोग तो यहाँ पे मरने वाले। और यहीं पर जो देखने के बाद जाओ तुम लोगों को क्या लगता है यहाँ पर अगर भाग दो तो तुम मेरे चंगुल से बच जाओगे। और ये कहने के बाद ना हम लोग जाओ अपने जो ट्रिक ड्रैगन है यानी कि ग्रीनी को बाहर निकल देते हैं, जो अपने जो टेक्निकल है उसके मदद से जितने सारे यहाँ पे थक भाग रहे थे ना सबको पकड़ लेते हैं। और ये देखने के बाद ना बाकी सारे थक यहाँ पे डर जाते हैं और कहते हैं कि माय लॉर्ड इस बार हम लोग को माफ कर दो, हम लोगों ने ना गलती से आप लोगों के साथ यहाँ पे छेड़ करने कहते, वैसे भी इसमें हम लोग कोई गलती नहीं था
था, तो इस बार हम लोग माफ कर दो, दोबारा ऐसा नहीं करेंगे। हम लोग जाओ तो ठहरा चार्ज, जो उन लोगों के पास जाने के बाद कहते हैं हाँ तुम लोग ने सही कहा, तुम लोग ना ऐसा गलती दोबारा नहीं करोगे, क्योंकि ये गलती करने के लिए ना तुम लोग जिंदा ही नहीं रहोगे। और ये कहने के बाद ना जाओ एक ही झटके में सबको मार देता है। और यहीं पर हम लोग प्यारी बाइकी और निनिया ना जितने सारे यहाँ पे शाइनिंग ऑब्जेक्ट थे उन्हीं ठाकु का सबको यहाँ पे कलेक्ट कर रहा था, और ये करते ना वो लोग बहुत ही मजा ले रहे। और ये सब देखने के बाद अब नैन कहते हैं कि मुझे तो पता है कि निनिया ने एक लड़की है, उसे शाइनिंग ऑब्जेक्ट बहुत ही पसंद है, लेकिन क्या तुम्हारा बाइकी भी एक लड़की है? और तभी हमें पीछे से आवाज आता है, तो फाइनली तुम दरिंदों को आज हम लोगों ने पकड़ लिया। तभी हमें पीछे मुड़ने के बाद हम लोग जाओ को पता चलता है ये तो सॉर्ट माउंटेन सेक्ट का डिसेबल है, जहाँ की एक टाइम का हम लोग जाओ भी डिसेबल रह चुका है। तभी वो बाकी सारे डिसेबल कहने लगते हैं कि आज ना हम लोगों ने तुम लोगों को यहाँ पर रंगे हाथों पकड़ लिया। इतने सारे लाचार और बेबस आदमी को मारने के बाद भी तुम लोगों को शर्म नहीं आता उन लोगों का यहाँ पर जितने भी चीज है उसे लूट करे? ये सुनने के बाद हम लोग जाओ कहते हैं कि ब्रदर आपको ना साथ यहाँ पे थोड़ा सा गलतफहमी हो रहा है, वैसे भी ये जितने लोग यहाँ पे लेटे हुए ना ये लोग हम लोग को मारने के लिए आए थे, लेकिन हम लोगों के साथ ये लड़ाई में ना हार चुके हैं। और ये सुनने के बाद वो बंदा ना और भी गुस्सा हो जाता है, और यहाँ पे वो गुस्से में आकर कहता है क्या तुम मुझे यहाँ पे बेवकूफ समझ के रखो, मैंने देखा था कैसे तुम्हारा जो नौकर है ना हाँ वही लड़की यहाँ पर कैसे सबको लूट रहा था। जो सुनने के बाद जाओ कहता है नहीं नहीं ब्रदर मैं ना यहाँ पे सच्ची में सच्ची कह रहा हूँ, वैसे भी ये ना मेरा नौकरानी है और ये यहाँ पे अच्छी काम कर रही थी। और जाओ के बात सुनने के बाद ना वो बंदा और भी गुस्से में आया था और कह रहा है हाँ हाँ मुझे पता ही था तुम लोग कितने अच्छे हो, अगर किसी को मार के लूटना अच्छा है तो हाँ तुम लोग अच्छे हो, और आज ना मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि अच्छे और बुरे के बीच का फर्क क्या होता है। और तभी यहाँ पे निनियन कहते हैं कि ओए ओए मिंगलिंग ने तुम्हें कहा ना कि मैं उन लोगों को मार के लूट नहीं रहा था, वैसे भी उन लोग ही थे जो हम लोग को मारने के लिए आए थे, वैसे भी वो लोग मर चुके तो उन लोगों का सामान तो मैं ले रहा था, मैं लूट नहीं रहा था, ये तुम्हें समझना चाहिए। जो सुनने के बाद वो बंदा कहते हैं हाँ रे छोटी लड़की मुझे पता है कि तुम ना एक बहुत ही पक्की चोरनी हो। ये वाला बात सुनने के बाद ना हम लोग निनियन और भी गुस्से में आते हैं और उसे बहुत ही बुरा भला सुनाने लगते। और ये वाला सीन देखने के बाद मिस नैन कहते हैं क्या फिर से यहाँ पे लड़ाई होने वाला है? जो सुनते ही ना जाओ कहते हैं नहीं नहीं सुबह बोलो अभी तो थोड़ी देर पहले मैंने लड़ाई किया और लड़ाई में ना मैं नहीं पढ़ना चाहता। तभी यहाँ पे एक डिसेबल को दिखाया जाता है जो कि अपना शॉर्ट लेके ना छोड़ के तरफ तान देता है और कहता है अगर तुमने एक कदम ही हिला ना तो मैं तुम्हारे जो ड्रैगन है इसका खेला खत्म कर दूंगा। जो सुनने के बाद अभी जाओ ना बहुत ही गुस्से में आ जाता है, जहाँ पर बाइकी को कहने के बाद ना आसपास के जितने भी जगह थे सबको तो फ्रीज कर रहा ही था, लेकिन उसी के साथ सब डिसेबल को ना जमा देता है। और तभी बाइकी का ये वाला पावर देने के बाद ना वो बंदा भी कह रहा है ओहो तो तुम्हारे पास एजो ड्रैगन है, इसके बारे में हम लोग को पता नहीं था। और इन्हीं लोगों को यहाँ पे जमते हुए देखने के बाद हम लोग जाओ कहते हैं छोड़ो तुम लोगों का कोई काम ही नहीं है, क्योंकि जो सॉर्ट माउंटेन का माउंटेन है ना मुझे उसके बारे में अच्छे से पता है और मैं वहाँ पे आसानी के साथ जा सकता हूँ, वैसे भी मैं उसका पुराना डिसाइपल जो ठहरा। और इसी के साथ हम लोगों को द माउंटेन सेट का ना माउंटेन का सीन दिखाया था जहाँ पर जाओ जा रहा था, लेकिन तभी एक गेट गार्ड उसे रोक लेता है और कहता है कि तुम कौन हो और यहाँ पे क्यों आ रहे हो। जो देखने के बाद ना हम लोग जाओ उसे ग्रीट करते हैं और कहता है कि जाके आप लोगों को मिस मायाओजू से कहना कि यहाँ पे ना जाओ मिंगलिंग उसके साथ मुलाकात करने के लिए आए। जो सुनने के बाद वो बंदा कहता है नहीं ऐसा तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन हाँ तुम्हारे पास आइडेंटिफिकेशन के लिए कुछ है तो बता सकते हो, मैं जाके मिस मायाओ को बता दूंगा। जो सुनने के बाद जाओ थोड़ी देर के लिए सोचते उसके बाद कहते हैं हाँ मुझे पता है जहाँ पे मिस मायाओ रही थी ना वहाँ पे ना एक बहुत ही बड़ा सा पाइन फोनिक्स ट्री है जिसके ऊपर बहुत ही बड़ा सा ना विंड बेल्ट लटक रहता है। जो सुनने के बाद वो बंदा कहता है ठीक है मैं जाता हूँ। तो अभी निनियन पूछते कि ये मिस मायाओ कौन है? जो सुनने के बाद हम लोग जाओ कहता है कि मैं ना इस माउंटेन का पहला डिसेबल रह करता था, और मैं जब यहाँ पे डिसेबल रह करता था ना तब मैं ना मिस मायाओ का एक दो बार ना शॉर्टमैनशिप के लिए प्रैक्टिस किया करता था, और यहाँ पे एक बंदा है जो कि ना मेरे ग्रैंडपा के जैसा है। और तभी ये वाला बात सुनने के बाद ना बाकी सारे जितने डिसेबल थे वो तो भर जाते और कहते हैं क्या तुम्हारे अंदर कोई भी शॉर्ट कल्टिवेशन का की नहीं, लेकिन तुम यहाँ पे कह रहे हो कि तुम लोग हम लोग मिस मायाओ को यहाँ पे ट्रेनिंग दिया करते थे, तुम एक ना बहुत ही घटिया बंदो। जो सुनने के बाद अभी निनियन भी बहुत गुस्सा हो जाता है, कहता है कि जाओ मिंगलिंग कभी यहाँ पे झूठा तारीफ नहीं करता। और तभी जो सुनने के बाद जाओ भी कहता है हाँ ये बंदी ना बहुत ही अच्छा, लेकिन तभी यहाँ पे मिस मायाओ की एंट्री होती है जो आने के बाद ही सबको यहाँ पे रुका देते, और जिसे देखने के बाद ना सब उसे सीनियर करके ग्रीट करना स्टार्ट कर देते हैं। और तभी यहाँ पे मिस मायाओ यहाँ पे जाओ को देखने के बाद ना चौंक जाते हैं और कह रहे हैं क्या जाओ तुम अभी तक जिंदा हो? जो सुनने के बाद अभी जाओ कहते हैं हाँ मैं अभी जिंदा भी नहीं, मैं ना एक बहुत पावरफुल ड्रैगन टेमर बन चुका हूँ। तभी वो कहते हैं कि तुम्हारे पास ही इतनी लड़की का क्या है? तभी जाओ कहते हैं कि ये जो पहला पहला लड़की है ना ये एक डेमीगॉड है और ये मेरी नौकरानी है, ये कि हम लोगों के साथ ना एक साथ जाने करें। जो सुनने के बाद अभी मिस मायाओ कहते हैं क्या तुम्हारे साथ जाने के लिए? वैसे भी तुम्हारे साथ क्यों जाने करें? जो सुनने के बाद ना अभी जाओ तो बहुत ही डर जाता है। हम लोग जाओ का ऐसा देखने के बाद ना मिस ने अपना एक्टिंग स्टार्ट कर देते हैं, जहाँ पर तो पहले ही हम लोग जाओ का एक हाथ को पकड़ लेते और कहते हैं कि मेरे डार्लिंग तुम इसे कह क्यों नहीं देते, जैसा तुमने लिंचियन में सबसे कहा था कि तुम और मैं एक कपल है और हम लोगों ने पहली दफा ही एक दूसरे के साथ प्यार में गिर चुके थे। तभी ये सुनने के बाद ना मिस मायाओ ना बहुत ही चौंक देते और कहते हैं क्या जाओ तुमने शादी कर लिया? लेकिन तभी जाओ कहते हैं नहीं नहीं ये लड़की ना बहुत ही नॉटिंग की है,
ये यहाँ पे नॉटिंग की करे जो सुनने के बाद मिस मैव कहते ओह फाइनली चलो जो भी हो वहीं पर। आपने मिस मैव के ऐसा देखने के बाद ना बाकी सारे बंदे तो रोने लग रहे। तभी यहाँ पे मिस मैव कहते कि वैसे भी जाओ यहाँ पे ना तुम किसी को भी अपना मिस्ट्रेस की तरह चूज कर सकते हो लेकिन मैं ना तुम्हारा मेन दुल्हन बनने वाला हूँ। और ये वाला बात सुनने के बाद ना नैन सोच रहे क्या हो मिस्ट्रेस और मैं ऐसा नहीं हो सकता। तभी यहाँ पे ना नैन को हटते हुए हम लोग मिस मैव हटवट करके हम लोग जाओ को पकड़ लेते और कहते हैं डार्लिंग तुम्हारे साथ बहुत दिनों के बाद मिल लगा वैसे भी जाओ अभी से ना तुम अपने रियल वाइफ के साथ रहोगे और चलो हम लोग ना जाके उस खूसर को थोड़ा सा देते क्योंकि उस खुसर ने कहा था कि तुम मर चुके हो। और ये कहने के बाद म्याओ जाओ ना हम लोग को जाओ को अपने बाहों में पकड़े हुए ऊपर जाने लगते हैं। और ये वाला नजारा देखने के बाद बाकी सारे बंदे सोने लगते हैं क्या हम लोग को मिस म्याओ भी ऐसा वैसा एक्टिंग कर सकते हैं। और इसी के साथ ये वाला एपिसोड होते हैं खत्म। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय और हां सयोनारा।